इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार सर, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। हम यहाँ आए हैं गोरखपुर जिला अंतर्गत ब्लॉक गोला के अंतर्गत सहकारी साधन सहकारी समिति में जो बिशनपुर राजा पड़ता है। आइए हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि दिन के 12 बज चुके हैं और यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ ताले पड़े हुए हैं। अभी तक किसी कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ का आए नहीं है। कोई भारत के किसान हैं हमारे, है कि इन लोगों को अपने खाद के लिए यहाँ आकर के लाइन में लाना पड़ रहा है और यहाँ के अधिकारी जो यहाँ के समिति के अधिकारी हैं उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। ये किसानों को कई दिनों से बुला रहे हैं और अपने मौजूद नहीं है। आइए मैं किसानों से स्वतः जानता हूँ कि यहाँ किस तरह का हाल चल रहा है। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है आपके? रामनवर। अच्छा, ये आप कहाँ आए हैं? खाद आने आए। कब आए हैं? अरे हो गए घंटा हो गया। आज ही आए हैं? हाँ। अच्छा, क्या हाल है? मतलब आप यहाँ आए हैं और यहाँ पे ताला लगा हुआ है? हाँ। तो क्या कभी किसी से सूचना उचना दिए हैं? जो यहाँ कर्मचारी अधिकारी किसी को सूचित आप किए हैं? कहना के बहुत है। कब कहे? 11 बजे आते हैं। ये मजा 11 बजे आ रहे हैं और यहाँ 12 बज गए, घंटा हो गया आपको आए हुए। सचिव आपके यहाँ कौन है? सचिव नरेंद्र पांडे हो ना? पांडे जी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिजई। यहाँ एक और किसान मौजूद है, क्या नाम है? संजय कुमार। और यहाँ किस लिए आए हैं आप? खाद्यान्न। आज ही आए हैं? आज ही आए हैं, कल भी आए थे। जी, कल भी आए थे। तो क्या हुआ, कोई मिला यहाँ पे? कोई नहीं मिले थे। किसी से फोन वगैरह सूचना हुआ? नहीं नहीं, इस बारे में किसी को सूचना नहीं दिए? नहीं, नंबर ही नहीं उनका। अच्छा, कौन है सचिव यहाँ का? बबलू पांडे। पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? बिजई का। अच्छा, यानी कल भी आए तो कल भी ताला बंद था? कल भी ताला था, आज भी ताला बंद है। हाँ। यानी कि आप यहाँ क्या लेने आए? खाद लेने आए हैं? खाद लेने आने हैं और मौके पर ताला बंद है। हाँ। मिल रहा है? हाँ, क्या एक बोतल मिल रहा है जी मिलाने के लिए। कौन सा है, कैसा है? अब वो तो मैं देखा नहीं हूँ लेकिन लोग बता रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? राजमान। आप यहाँ खाद लेने आए हैं? नहीं, कभी यहाँ से खाद ले गए हैं? खाद ले जाते। खाद के साथ क्या दे रहे हैं? इस टाइम तो नैनो यूरिया दे रहे हैं। लिक्विड है? हाँ, यूरिया के साथ। उसी के साथ है? फ्री ऑफ कास्ट है? नहीं, फ्री कास्ट नहीं है। अच्छा, उसका 240 रेट है, उसका 280 अतिरिक्त लिया जा रहा है। हाँ। और अगर वो नहीं लिया जाए तो? तब नहीं देंगे। तब नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपको मिला है? नहीं, हम लिए नहीं, हम पहले ही ले चुके थे। पहले ले चुके हैं? हाँ जी। नाम है आपका? राम कौल। अच्छा, कहाँ घर है? बन रही। आप किस लिए आए हैं? खादी। आज ही आए हैं? आज ही आए हैं। कब से आए हैं? अरे घंटा भर हो गया। और यहाँ आकर के क्या देखा आपने? कुछ नहीं, ताला बंद है, क्यों पता ना। ये चौकीदार वाला वो कहते हैं आवत है गोपालपुर में, पता ना ये सब बैठल बा। किसी को सूचना दिए आप? ना, भी नहीं, भेंट कर ले, कहने 11-12 बजे हम आए खाद देवे जी, अब तक पता ना है। सरकारी समिति है ना? हाँ, सरकारी समिति है तो यहाँ लोगों को समय से उपस्थित होना चाहिए ना। जरूर। योगी सरकार है, सीएम सिटी है, आना चाहिए। किसानों को सुविधा देते ही है सरकार, आपको सुविधा दे रही है। आपको सुविधा यही दे रहे हैं कि आप यहाँ करके, सही बात है, यहाँ आपको वेट करना पड़ रहा है। देखिए, यह सीएम सिटी योगी सरकार जो है कितने दावे करते हैं और ये किसानों को लेकर के सरकार जितना जागरूक हो रही है, यहाँ के आला अफसर अधिकारी कानों को भी जून नहीं देख रही है। और नतीजा ये है कि किसानों को अपने खादों के लिए जो है यहाँ अपने खादों के लिए अपने मांगों के लिए यहाँ लाइन लगाना पड़ रहा है। तभी यहाँ के अधिकारी जो है कुल जो है भाग बढ़ा रहे हैं और जो है दो दो घंटे चार घंटे एक दिन दो दिन करके इनके वेट करना पड़ रहा है किसानों को। आखिर यह व्यवस्था कब तक सुधरेगी? मैं यहाँ के जिले के आला अफसर से चाहता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था अगर सीएम सिटी गोरखपुर में हो रही है तो आगे अन्य जिलों में क्या इसकी व्यवस्था होगी। मैं यहाँ के डीएम और गोरखपुर के अधिकारियों से यह कहना चाहता हूँ। इंडिया टीवी न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।